हेलो हाय नमस्ते। और पहला उत्तराखंड तो दीपावली के पर्व में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। धनतेरस चला गया, छोटी दिवाली आज है और बड़ी दिवाली आने वाली है। तो दीपों का ये त्यौहार, ये प्रकाश पर्व आप सभी को सपरिवार खूब मुबारक, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज कुछ बात ऐसी है कि जब कभी ऐसा लगे जीवन में कि यार कुछ उलझने सी आ रही हैं, उलझने सी आ रही हैं, तो जीवन तो एक ही बार मिला है। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, सभी ये कहते हैं कि ये जीवन एक ही बार मिलता है, जो करना है कर डालो और जितना जीना है, जो तमन्ना है उसे उतनी तमन्ना के साथ जी डालो। पर एक बात कहूँ, अगर जिंदगी एक है तो इस शरीर में दिल भी एक ही है, और उसी को क्यों बार बार तुड़वाते हैं या तोड़ते हैं? ना किसी का तोड़ना चाहिए, ना ऐसी जगहों पे या ऐसे लोगों के बीच रहने की ज़रूरत है जहाँ उसे टूटने का सा एहसास हो, जहाँ लगे कि ये बातें कुछ बातें नहीं बल्कि एकाकी में लेके जा रही हैं, एकांत में लेके जा रही हैं। यदि ऐसा एहसास हो तो कोई ज़रूरी नहीं है किसी से लड़ना झगड़ना या किसी से मन मुटाव कर लेना या किसी को कुछ सुना देना कह देना। चुपके से निकल लो, यानी चुपके से साइड हो जाओ, चुपके से किसको जाना दो, धीरे से साइड हो जाओ, क्योंकि अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। और अगर अपना रास्ता बना लिया तो फिर जिंदगी सुलझ जाती है, ये राहें सुलझ जाती हैं, और जो दुख दे रही हैं जो बातें, या जो बातें आपको एक मन में टीस दे रही हैं, जो आपको अंदर तक कुरेद रही हैं, क्या पता वो राहें फिर सीधी हो जाएं। और उसके बाद फिर जीवन जो एक बार मिला है उसे आप खुल कर जी लो, बिंदास होकर जी लो। बिल्कुल, बस जरूरी यही है कि समझना कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर चुप रहना है, वो बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बात का मसला बात करके ही निकले, और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त बोलते रहें। कई बार चुप रहकर भी हम बहुत सारी बातों का जवाब दे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्नों का हल हम दे जाते हैं, बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं उलझे से या अनसुलझे से उनका जवाब दे जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है हर बार बोलना, हर बार सिर्फ बातें ही करना और ऐसा कहना कि बातों बातों में कुछ बात निकलेगी। कई बार चुप रहकर भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं, और वो बातें बहुत गहरी होती हैं। अक्सर वो बातें जिनमें शोर कम होता है, अक्सर वो बातें जिनमें आवाज़ कम होती है, वो बातें दिल में बहुत गहराई तक जाती हैं और बहुत गहरा प्रहार भी करती हैं, बहुत जोर का प्रहार करती हैं और बहुत गहराई तक जाते हैं। तो जीवन में ऐसी जगह है जहाँ दुख मिलता हो, ऐसे लोग जो आपको हमेशा कोसते रहते हों, या ऐसा लगता हो कि आपको दुख दे रहे हैं, आपको ठेस पहुँचा रहे हैं, क्यों उनके बीच में रहना? अपने आप किनारा कर लिया करो, हल्के से, बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए, है ना, बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए अगर आप धीरे से खुद साइड हो जाते हैं, खुद खुद को किनारा कर लेते हैं, तो राहें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी, राहें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, सुलझे हुए से नज़र आएगा। दुनिया में करने को तो बहुत कुछ है, बहुत चीज़ें हैं, किसी एक को पकड़ लो, यानी कि एक ऐसा जो आपको पसंद हो, जो जिसमें आपको सुकून मिलता हो, जिसमें आपको खुशियाँ मिलती हों, ऐसी एक राह पकड़ कर, ऐसा कुछ काम पकड़ कर बस उसमें खुद को डाल दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भौतिकताएं मिलें उसमें, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको बहुत सारा पैसा मिले, ये सब भौतिकताएं हैं। एक वक्त आएगा, एक समय आएगा जब आपको ये सब सारी चीज़ें, सचमुच ये कोई कहने की बात नहीं है, ये सब चीज़ें आपको ऐसा लगने लगता है मिथ्या है, झूठ है या छलावा है, और उसके बाद अगर आपको चाहिए होता है तो बस दिल का सुकून और वो
एक माहौल जहाँ पर आप सुकून की सांस ले सको, जहाँ पर आप बेरोक टोक बातें कर सको, जहाँ पर आप बिना जजमेंटल हुए, बिना किसी के उस माप बिना किसी के मापदंडों से गुजरे हुए अपनी बातें रख सको, खुद को खोल सको, खुद की बातें कर सको। ये खुद पर भी लागू होता है औरों पर भी लागू होता है। चलिए, आप सभी को इन्हीं बातों के साथ दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जमकर मनाइए और कुछ खुशियाँ उनको भी बांट आइए जिनके घरों में दीपक जलाने को वो धन नहीं है और जिनके पास इतना धन नहीं है कि वो दीपावली में सजा सकें अपने घरों को, खा सकें खूब मिठाइयाँ। उनके साथ भी एक बार छोटी सी दिवाली मना कर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद।